चलिए, स्वागत है आप सभी का डीआईटी के इस नए वीडियो में। इसमें मैं आपसे रोबोटिक्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो हम एक सिंपल रोबोट बनाएंगे जो वायर के थ्रू कंट्रोल होगा, यानी इसका वायर्ड रिमोट होगा। इस टाइप के रोबोट्स यूजुअली हम रोबो रेस के लिए बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये रोबोट कैसे बनाना है। वायर्ड रोबोट बनाने के लिए, रोबो रेस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपसे पहले आपको दिखाता हूँ। ये स्विच बॉक्स है। इस स्विच बॉक्स पे डीपीडीटी टाइप के स्विचेस कनेक्ट करने हैं। ये डीपीडीटी टाइप का स्विच है। ऐसे दो स्विचेस हमें चाहिए, तो ये दो स्विचेस यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। इसके अंदर पहले हम इसका कनेक्शन करेंगे, उसके बाद फिर इसको यहाँ पे बिठाएंगे। इस स्विचेस के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा थोड़ी देर में। पहले हम सभी कंपोनेंट देखेंगे। मैं यहाँ पे चार मोटर्स यूज करने वाला हूँ। तो चार मोटर के लिए चार टायर्स चाहिए। तो ये चार टायर्स, इसमें यहाँ पे ग्रू दिया हुआ है। इस ग्रू के ऊपर बेल्ट बैठेगा इसका। तो ये चार टायर्स। उसके बाद हम ये चेसी यूज करेंगे। इस चेसी को हम चार मोटर्स कनेक्ट करेंगे। ये देख सकते हो आप चेसी। यहाँ पे हमें यहाँ पे एक मोटर कनेक्ट करनी है, यहाँ पे एक मोटर फिट करनी है, उसके बाद यहाँ पे भी मोटर्स फिट करने हैं। तो ये अपनी चेसी। उसके बाद हमें एक 3 मीटर्स की वायर चाहिए। ये रिबन केबल है, तो ये रिबन केबल हम यूज़ करेंगे। ये 3 मीटर है। 12 वोल्ट 1 एम्पियर की है मोटार से, चार मोटार्स 12 वोल्ट 1 एम्पियर की। और मैं यहाँ पे इसका आरपीएम सेलेक्ट कर रहा हूँ 150 आरपीएम। ये 150 आरपीएम की डीसी मोटार से, चार डीसी मोटार्स। मुझे टॉर्क थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं चार डीसी मोटार यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर ये बेल्ट है, ये बेल्ट इस ग्रू के ऊपर फिट होगा। ऐसे बेल्ट जो है एक ग्रू के ऊपर फिट होगा इस टाइप से। तो ये बेल्ट, और इसको पावर सप्लाई देने के लिए मैं बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। ये बैटरी है 12 वोल्ट 1.3 एम्पियर की बैटरी है। अगर आपको ज़्यादा टॉर्क चाहिए तो आप मोटर्स चेंज कर सकते हो, ज़्यादा टॉर्क की मोटर्स ले सकते हो। उसके लिए फिर ज़्यादा एम्पियर का करंट चाहिए, तो बैटरी भी थोड़ी अच्छे एम्पियर की यूज़ कर सकते हो। आपके प्रोजेक्ट में आप जो मोटर यूज़ कर रहे हो उसका एम्पियर कितना है वो देखो पहले, उसके हिसाब से आप बैटरी सेलेक्ट करो। नहीं तो आप इसकी जगह पे रेगुलेटेड पावर सप्लाई भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे आपको सर्किट ड्रा करके दिखाता हूँ कि कनेक्शंस कैसे करने हैं। तो कनेक्शन के लिए सबसे पहले तो वर्किंग समझ के लेना है कि वर्किंग क्या होगा। कंसिडर करो ये अपना रोबोट की चेसी है। इसमें हम चार मोटर्स कनेक्ट करेंगे। एक मोटर, एक दूसरी मोटर, इसे मैं M1 कहूँगा, मोटर 1, ये M2, यहाँ पे M3 और यहाँ पे है M4। ये चार मोटर्स हैं। तो ये चार मोटर्स को हमें ऐसे ड्राइव करना है। समझो M1, M3, M2 एंड M4, ये चारों भी मोटर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन कर दी तो रोबोट जो है वो आगे जाएगा। अगर मैं M1 और M3 को ऑफ करता हूँ, M1 M3 ऑफ और M2 M4 ऑन, मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ, यहाँ पे अभी M1 M2 M3 M4। अगर M1 और ये सभी अगर ऑन है, ये सभी अगर ऑन है, सभी अगर ऑन है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा रोबोट फॉरवर्ड। अगर मैं M1 M3 ऑफ करता हूँ, M1 ऑफ M3 ऑफ और M2 ऑन एंड M4 ऑन, यानी मैंने राइट साइड के दोनों मोटर ऑन कर दिए, लेफ्ट साइड के दोनों मोटर ऑफ, तो रोबोट जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। यानी मैं अगर राइट साइड के मोटर ऑन करता हूँ तो रोबोट
रोबोट जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होगा। आप समझ पा रहे होंगे इस साइड के मोटर्स ऑफ है, इस साइड के ऑन है, यानी कैसे जाएगा रोबोट ऐसे, क्योंकि इस साइड के मोटर्स ऑन है। उसके बाद फिर अगर मुझे राइट साइड में लेके जाना है तो M1 को ऑन करना है, M3 को ऑन करना है, M2 को ऑफ करना है और M4 को ऑफ करना है। अगर मुझे रोबोट को स्टॉप करना है तो उस टाइम पे मुझे सभी स्विचेस ऑफ करने हैं, सभी स्विचेस में ऑफ करूंगा। ये राइट का हो गया और ये स्टॉप का हो गया। अगर मैं सभी स्विचेस को ऑफ करता हूँ तो ये स्टॉप हो जाएगा, यानी सभी मोटर्स को अगर ऑफ करता हूँ तो ऐसे हमारा वर्किंग होगा। अभी ये फंक्शन करने के लिए, यानी मोटर को क्या करना है, हमें ऑफ करना है, ऑन करना है, ये फंक्शन करने के लिए हम सिंपल SPDT स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल SPDT स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे रिवर्स लेके आने का है, अगर मुझे रिवर्स लेके आने का है तो मोटर के मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी रोटेशन की। तो रोटेशन के डायरेक्शन चेंज करने के लिए मुझे DPDT स्विच यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको DPDT स्विच का वर्किंग बोलूँगा, उस हिसाब से आप कनेक्शन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे DPDT स्विच है, ये DPDT स्विच, इस DPDT स्विच को 6 टर्मिनल्स है नीचे। अगर मैं आगे प्रेस करता हूँ स्विच को, मैं अगर आगे प्रेस करता हूँ, इस साइड में अगर प्रेस करता हूँ तो ये जो सेंटर के जो दो टर्मिनल्स है ये इंटरनली इस आगे के दो टर्मिनल्स को कनेक्ट होंगे। अगर मैं इसको इस साइड में प्रेस करता हूँ तो सेंटर के दो टर्मिनल्स इस साइड के दो टर्मिनल्स को कनेक्ट होंगे, यानी सेंटर के टर्मिनल्स इसे कनेक्ट करने या इसे कनेक्ट करने, ये हम प्रेस करके मैन्युअली कर सकते हैं। अगर मैं प्रेस करता नहीं हूँ कोई भी साइड को तो ये दोनों टर्मिनल्स किसी को भी कनेक्ट नहीं होंगे। तो अभी इसका यूज़ करके मैं इसका यूज़ कैसे करना है ये आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखो इसके जो नीचे के 6 टर्मिनल्स है वो मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ और इससे एक मोटर कैसे कनेक्ट करनी है वो दिखाता हूँ। उसको पैरेलल में आप अगर दूसरी मोटर कनेक्ट करते हो तो कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक टर्मिनल है, यहाँ पे एक टर्मिनल, ये सेंटर के दो टर्मिनल और ये बॉटम के दो टर्मिनल। तो चलो अभी हम अगर कनेक्शन ऐसा करते हैं, हम इसे नंबर देंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 टर्मिनल्स। सबसे पहले तो जो कॉर्नर के टर्मिनल्स है वो शॉर्ट करके लो, यानी 5 और 2 शॉर्ट करना है। बाद में 1 और 6 शॉर्ट करना है, 1 और 6 शॉर्ट कर दिया। उसके बाद फिर अभी ये जो दो टर्मिनल्स है, ये दो टर्मिनल्स इसे कनेक्ट करने हैं या इसे कनेक्ट करने हैं ये हमें देखना है। तो देखो ये जो सेंटर के जो दो टर्मिनल्स है, ये दो टर्मिनल्स कनेक्ट करो आप मोटर को। कहाँ पे कनेक्ट करना है इसे? मोटर को, जो आपकी जो DC मोटर है उस DC मोटर को ये कनेक्ट करो। ये है आपकी DC मोटर और ये 1 नंबर और 2 नंबर का जो टर्मिनल है ये बैटरी को कनेक्ट करो, यानी ये कनेक्शन होगा आपका बैटरी को, ये बैटरी को। समझो ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो अभी कनेक्शन कैसे हो रहा है सब देखो, अगर मैं इसको इस साइड में प्रेस करता हूँ तो 3 कनेक्ट होगा 1 से, 3 कनेक्ट होगा 1 से, 4 कनेक्ट होगा 2 से। तो इससे क्या होगा, 3 अगर 1 से कनेक्ट हो रहा है तो 3 को पॉजिटिव मिल रहा है और 4 को निगेटिव मिल रहा है। 3 को पॉजिटिव यानी ये पॉजिटिव हो गया और ये 4 जो है वो निगेटिव। इस टाइम पे कंसिडर करो डायरेक्शन जो है मोटर की वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं इस साइड में कनेक्ट करता हूँ, 5 और 6 के साइड में अगर कनेक्ट करता हूँ तो 3 को मिलेगा, 3 को क्या मिलेगा, देखो यहाँ से क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। यानी 3 अगर 5 को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं तो क्या मिलेगा, निगेटिव, यानी ये हो जाएगा निगेटिव और ये जो है ये हो जाएगा, ये देखो इसे यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव, तो इस टाइम पे मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी ये क्लॉकवाइज हो जाएगी। यानी ऐसे DPDT स्विच का यूज़ करके हम मोटर को फॉरवर्ड एंड रिवर्स कर सकते हैं।
अगर आपको दो मोटर्स कनेक्ट करनी है इसके ऊपर तो आप दो भी मोटर्स कनेक्ट कर सकते हो इसी मोटर को पैरेलल में, इसी मोटर को पैरेलल में दूसरी एक मोटर कनेक्ट कर दो। कॅमेराचा जवळून दाखव, एक क्रॉस कनेक्शन कर लिया अभी, एक साइड का क्रॉस कनेक्शन किया है, अभी दूसरी साइड का क्रॉस कनेक्शन करें। ये दूसरी साइड का क्रॉस कनेक्शन कर लिया। दो टर्मिनल्स हैं सेंटर के, सेंटर के पिन को कनेक्ट करने हैं। सेंटर के पिन के अक्रॉस, जैसे सर्किट डायग्राम में मैंने बताया था, सेंटर के पिन के अक्रॉस हमें मोटर कनेक्ट करनी है, जो डीसी मोटर हमें फॉरवर्ड रिवर्स रोटेट करने हैं, उस डीसी मोटर के कनेक्शंस करने हैं इसके अक्रॉस। तो अभी हम स्विच के सेंटर को कनेक्ट करके ले रहे हैं। ये जो वाइट कलर की वायर और ब्लू कलर की वायर हमने क्रॉस कनेक्ट की है, और ये इसके सेंटर की जो दो टर्मिनल है उसके अक्रॉस अभी मोटर कनेक्ट करने के लिए दो वायर्स कनेक्ट किए हैं। अभी ये जो दो वायर्स है ये बैटरी के कनेक्शन के लिए कनेक्ट करना है हमें, कोई भी एक साइड के दो टर्मिनल को कनेक्ट करना है। चलो इस साइड में कनेक्ट कर लेते हैं अभी हम। अभी पूरा दिखा रहा हूँ मैं, देखो सेंटर के टर्मिनल को दो वायर्स है और साइड की टर्मिनल को दो वायर्स है। सेंटर में ब्राउन है और रेड है, और जो साइड के दो टर्मिनल्स है वहाँ पे ऑरेंज और येलो कलर की वायर है। अभी इसके दूसरे साइड में मोटर और बैटरी कनेक्ट करेंगे। सेंटर के टर्मिनल के अक्रॉस मोटर कनेक्ट करनी है और साइड के टर्मिनल के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करनी है।
जो टर्मिनल है वो हमने मोटर के रेड को कनेक्ट किया, रेड वायर को, और जो ब्राउन कलर की वायर है स्विच के सेंटर से आई हुई है वो कनेक्ट की है बैटरी के ब्लैक कलर के टर्मिनल को, मोटर के ब्लैक कलर के टर्मिनल को। और स्विच के जो साइड के दो टर्मिनल्स थे वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अभी बैटरी को। ये ऑरेंज कलर का टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट किया है, और अभी जो येलो कलर का जो वायर है वो मैं बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट कर रहा हूँ। इसको टायर कनेक्ट कर दिया, अभी हम इसको रन करके देखेंगे। एक मोटर का कनेक्शन हो गया, इसी मोटर को पैरेलल में दूसरी मोटर कनेक्ट करनी है और ऐसे फिर दो सेट बनाने हैं, यानी एक स्विच से हम दो मोटर्स को कंट्रोल करेंगे। तो अभी हम इसको रन करके देखेंगे। ये अपना मोटर, और मैं अभी ये जो स्विच है इस स्विच से इसको कंट्रोल करूँगा। जैसे मैं ये स्विच का इसे आगे प्रेस करूँगा तो मोटर आगे रोटेट होनी चाहिए, यानी एक डायरेक्शन में। इसे हम फॉरवर्ड बोलेंगे। अभी मैं दूसरी साइड प्रेस करता हूँ इधर की, तो ये अभी रिवर्स होनी चाहिए, रिवर्स हो गए। तो ऐसे हम रोबोट को कंट्रोल करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स में। Yes.
टायर को सुधा था अपन, ग्रिप पर, ओके। तो चलिए अभी Mm-hmm.